हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के टॉप अपडेट्स के बारे में, बात करेंगे पोस्टर के बारे में, मॉर्बियस के बारे में और टिकट सेलिंग के बारे में इंटरनेशनल, और देन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का एक विलन रिटर्न हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले एवेंजर एंड गेम का जो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन लगाया गया वो है वीकेंड का 840 से 50 मिलियन तक ये मूवी पहले वीकेंड में अर्न कर सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। देन उसके बाद चाइनीज थिएटर के जो हेडर होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है, जिसमें कि हल्क और ब्लैक विडो को काफ़ी ज़्यादा मिस कर दिया है। मॉर्बियस अपकमिंग मूवी सोनी और एमसीयू की, जो कि काफ़ी कमाल की है, और इसमें यह कन्फर्म हो गया था कि मॉर्बियस फ्लाइंग कर सकता है, यानी कि उड़ने वाला वैम्पायर। देन उसी के साथ साथ चाइनीज पोस्टर भी लॉन्च हुआ है एवेंजर एंड गेम का, जिसमें कि मरे हुए कैरेक्टरों को नीचे तरफ दिखाया गया है, जिसमें कि निक फ्यूरी भी शामिल है। देन उसी के बाद एक रशियन पोस्टर लॉन्च करा गया है आज ही के दिन, क्योंकि अगर आप ये वीडियो सुबह 8 बजे देख रहे हो तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 6:30 बजे, यानी कि कल के दिन। देन उसी के साथ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का विलन आउटराइडर्स और एवेंजर एंड गेम का विलन नया आउटराइडर्स, जिसके हाथ में वुल्वरीन रिंग जैसे पंजे निकलते हैं, तो जी हाँ, ये रिटर्न हो रहे हैं दोबारा से। 2 अप्रैल से इंटरनेशनल मार्केटिंग की टिकट सेल आउट होना अवेलेबल हो जाएंगी फाइनली एवेंजर एंड गेम की, और इंडिया में प्री बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, उसका भी अपडेट मैं आपको जल्दी दे दूंगा। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।